हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन ऑगरी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अनुच्छेद 350B के तहत ये बनाया गया था। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के हमने काफ़ी लेक्चर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संवैधानिक निकाय हैं उन हमने कर लिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन सबको आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आप, मुझे पता है कि आप कई लोगों के कमेंट भी आए हैं कि सर मुझे बहुत हेल्प हो रही है इससे, क्योंकि जो आप टॉपिक अगर पढ़े हुए हैं और इस क्वेश्चन को लगाए हैं तो समझ लीजिए कि आपका सारा प्रिपरेशन हो जा रहा है, चाहे UPSC हो, चाहे PCS हो, चाहे CGL, CPO, कुछ भी हो, आपकी प्रिपरेशन पक्की है। इस क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो आप, अगर इस क्वेश्चन को लगा देते हैं ना तो आप टॉपिक भी हिसाब से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों, किस आयोग ने भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रावधान की सिफारिश की, बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसी ने रिकमेंड की थी कि यह ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, चलिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? अनुच्छेद 350B, अनुच्छेद 324A, अनुच्छेद 348B, अनुच्छेद 350A। तो बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 350B। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, अनुच्छेद 350B संविधान के किस भाग के तहत आया था? भाग 16, भाग 17, भाग 14, भाग 18। बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भाग 17। एक चीज ध्यान रखिएगा, भाग 17 में ही ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है, बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र है उसी में, ये इसके अंदर आता है 350B। ठीक है, चलिए। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है? तो मतलब जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ना, वो कौन सा था? 7 था, 8 था, 6 था, 9 था, तो वो कौन सा था? 7 था, ध्यान रखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 350B डाला गया था, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, किस वर्ष में संविधान के अनुच्छेद 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी कार्यालय बनाया गया था? मतलब कि जो उसका ऑफिस जो क्रिएट किया गया, वो कब क्रिएट किया गया? वो किया गया 1957 में। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें जो और मोटिवेशन मिले, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ। ये लेक्चर्स जो है मैं जो ला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने किसी मतलब ऐसे नॉर्मल किताब से नहीं बने हैं, स्टैंडर्ड बुक से बने, जैसे कि आपकी, आप जानते होंगे लक्ष्मीकांत वगैरह है, और भी बसु बुक है, वो सब से ले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं, ताकि आपका कोई टॉपिक, मतलब टॉपिक का कोई भी कंटेंट छूटे ना, उस पर क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर। तो सही आंसर है इसका राष्ट्रपति। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को निम्नलिखित में से किसके रूप में नामित किया गया है? भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक मंत्री, भाषाई अल्पसंख्यक न्यायाधीश, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसको जो जाना जाता है, वो जाना जाता है भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न से किसके लिए प्रस्तुत करता है? ये भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त मान ली वही है जो स्पेशल ऑफिसर है ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का, उसी को कहते हैं। तो अभी रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इसका सही आंसर है इलाहाबाद, बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता। तो सही आंसर क्या है इसका? इलाहाबाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? अहमदाबाद, बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद, बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता में इसका रीजनल ऑफिस है, और रीजनल ऑफिस को जो हेड करता है, हेड होता है उसका, वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर। कौन होता है वो? असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, चलिए। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय का कार्यालय है
कार्यालय का कार्यकाल है 5 वर्षों के लिए 62 साल, 6 वर्षों के लिए 65 साल, संविधान में परिभाषित नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है, संविधान में परिभाषित नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाहे टेन्योर ऑफिस हो, कार्यालय हो, चाहे सैलरी हो, चाहे योग्यता हो, कुछ भी जो है संविधान में जो है डिफाइन नहीं किया गया है इस इनके बारे में, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता की आवश्यकता निम्न में से किसके समान है, बताया था। ऐसा सही आंसर क्या होगा, लोकसभा स्पीकर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संविधान में परिभाषित नहीं, तो संविधान में परिभाषित नहीं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर ये क्वेश्चन दिल से बताएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं पॉलिटी के हर एक टॉपिक पे ऐसे ही बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक से लेके आऊँ। दोस्तों पहले पूछ रहे थे कि मैं क्या हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यूपी गवर्नमेंट में एज अ सब डिविजनल ऑफिसर भी कार्य कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।